हेलो एवरीवन, मैं हूं शरद चौरसिया और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स। जैसा कि हर दिन मैं लाता हूं, उसी तरह आज भी 17 फरवरी 2022 के करंट अफेयर क्या है, चलिए देखते हैं उसको बिना देर किए हुए। और हाँ, शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमसे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए डेली। ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए हर एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि लास्ट सीजन में मैंने दिया था क्वेश्चन आप लोगों को, पहला क्वेश्चन क्या था, एक ही क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था खड़कवासला डैम कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से खड़कवासला डैम कौन से स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ पे पड़ता है ये। तो इसका ऑप्शन था कुछ ऐसा कि पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा और चौथा कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये जो खड़कवासला डैम है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। सीबीएसई आपको पता है ये एक संस्था है एजुकेशन से रिलेटेड। तो उसके अभी अपॉइंट किए गए हैं चेयरमैन, वो कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईएएस विनीत जोशी जी, जो कि रिप्लेस किए हैं आईएएस मनोज आहूजा जी को। और ये आईएएस कौन से बैच के हैं, ये 1992 बैच के आईएएस भी रह चुके हैं। और ये जो विनीत जोशी जी हैं ये रेसिडेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं मणिपुर गवर्नमेंट के। और इसके बारे में और बता दूं मैं आपको कि सीबीएसई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1929 को हुआ था, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर सीबीएसई का। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है विच फेमस म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर पासेस अवे रिसेंटली। आप सभी को पता है कि जैसे कल हमारे बप्पी दा जी हैं, जिनको बप्पी लहरी जी से जाना जाता था, वो गुजर गए हैं। बहुत ही अच्छे सिंगर थे वो, और उनका जन्म बेसिकली 27 नवंबर 1952 को हुआ था। और पता है इनका रियल नेम क्या था, इनका रियल नेम आलोकेश लहरी था और ये बप्पी दा के नाम से ही जाने जाते थे ऑल ओवर इंडस्ट्री, इंडिया सब जगह। तो बहुत ही दुखद खबर है, इससे पहले हमारी लता मंगेशकर जी गुजर गई। तो ये हमारे जो 90s के दशक के जो सिंगर थे इनको बड़ा मिस किया जाएगा यार। तो या इनके जैसा कोई था भी नहीं, कोई आया भी नहीं इनके टक्कर में और कोई आ भी नहीं सकता। तो एक अलग ही माहौल था इन सब चीज़, इनका सॉन्ग सुनना और उस जमाने, जैसे हम लोग भी उसी जमाने 90s के ही हैं, तो रियली इसको बड़ा मिस किया जाएगा यार। तो और इनको फिल्म फेयर अवार्ड दो बार मिल चुका था, एक 1985 में और एक 2018 में, और एक बार रेडियो मिर्ची का भी अवार्ड मिला था रिसेंटली 2021 में। ठीक है, तो बढ़िए चलते हैं, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑर्गेनाइज डरकथन 2022 इन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये ऑर्गेनाइज कर रही है एक प्रोग्राम डरकथन 2022 में, जो कि दिल्ली में होना है। और इससे रिलेटेड आपको बता दूं ये डरकथन है क्या, ये बेसिकली का इसमें इस प्रोग्राम में ये मतलब वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे कि आजकल ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। ब्लैक मार्केटिंग क्या, इसको हम लोग डार्क नेट कहते हैं इस चीज़ को, बेसिकली याद रखिएगा डार्क नेट ही कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, ड्रग्स खरीदना, इस चीज़ को डार्क नेट कहते हैं, डार्क नेट वेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्केटिंग डार्क नेट, ठीक है, ये इलीगल, आप सभी को पता है कि ड्रग्स इलीगल चीज़ें हैं और इसका आजकल बहुत ज़्यादा ही आजकल के यूथ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं पार्टी में और हर जगह सब। तो आप लोग अभी न्यूज़ काफ़ी देखे ही हैं, रिया चक्रवर्ती और काफ़ी लोगों ने इसमें फंसा है। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको अनरिवील कैसे करें, मतलब अनरिवील का मतलब होता है सेपरेट कैसे करें यूथ को इस चीज़ से, अलग कैसे किया जाए। तो उसका जो सॉल्यूशन देगा इसमें बहुत ही बेहतरीन, तो उसको विनर मतलब घोषित किया जाएगा। और इसमें इस जो विनर होंगे उसको प्राइज भी दिया जाएगा 2.5 लाख रुपए कैश का। ऑल राइट, और ये ऑर्गेनाइज कब होगा, 22 अप्रैल को होगा, 3 फेज में होगा ये। और एनसीबी के बारे में बता दूं, एनसीबी फाउंड कब किया गया था, ये 1986 में फाउंड किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में पड़ता है। और ये एनसीबी को कंट्रोल कौन करता है,
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, अमित शाह जी हैं। और उसके बाद एनसीबी के डीजी कौन है? सत्यनारायण प्रधान जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ा किया करिए, मतलब एक क्वेश्चन में जितना आपको याद आता जाए उस चीज़ से रिलेटेड फैक्ट, उतना बेहतरीन होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग के लिए बेटर भी होगा कि एक क्वेश्चन से कितनी क्वेश्चंस आपको याद आती हैं वो वही एग्जाम में काम आता है। कोई भी चीज़ आप सुन लीजिए, जैसे अगर कुछ जैसे आपने यूपी सुन लिया तो यूपी के बारे में जो फैक्ट आपको याद है दिमाग में, इसको एक बार रिवाइज कर लिया करिए, ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी इन इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डाबर। डाबर क्या है, एक ये कंपनी मतलब पहली बन गई है जो कि वेस्ट मटेरियल को, जो प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकलिंग करना, प्रोसेस करना, उसको रिन्यू करना, मतलब उस चीज़ को फिर से प्लास्टिक बना देना, मतलब कूड़े, जो कूड़े में जैसे हम आप लोग सभी लोग सफ़र करते हैं, जैसे स्टेशन में जितने भी लोग हैं बोतल पानी पी करके फेंक देते हैं, तो उनको इकट्ठा करके फिर से प्रोसेस करना, रिसाइकलिंग करना, न्यू करना उस चीज़ को, तो इस चीज़ में डाबर कंपनी ने टॉप किया है। और ये कितनी, ये लगभग 27,000 मेट्रिक टन वेस्ट मटेरियल का रिसाइकलिंग प्रोसेस की है 2021-22 में। तो उस यही 21-22 में ही इसका डाबर का रैंक जो है आगे आ गया है, टॉप पे आ गया है। और ये आल्सो ये भी और ये एक और कंपेन भी निकाली है सेव द एनवायरनमेंट, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो और इसके बारे में बता दूं, डाबर के जो सीईओ हैं वो मोहित मल्होत्रा जी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? गाजियाबाद में पड़ता है। और ये फाउंड कब किया गया था डाबर कंपनी? ये 1884 में फाउंड किया गया था। आप सभी को याद है हम लोग भी छोटे थे तो डाबर का च्यवनप्राश हर चीज़ घर पे हम लोग के अवेलेबल रहता था। तो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छी बात है कि इसने अभी तक अपना स्टैंड अप बनाया हुआ है मार्केट में। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? हु विल इनॉग्रेट टेरीज वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो इसका टेरीज ये है क्या, इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। तो इसको 3 दिन का समिट किया जा रहा, मतलब 3 दिन का समिट हो रहा है किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ये इसका थीम क्या है 2022 का? इसका 2022 का थीम है टूवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। आप सभी को पता है कि कितनी तेजी से हमारे इंडिया में एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का काम चल रहा है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है। और यहाँ पे इसमें होता क्या है मेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये होता है कि डिस्कसेस करते हैं कि कैसे मौसम का, क्लाइमेट चेंज का, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन का, और एनर्जी ट्रांसिशन का, जो ये सब इशू होते हैं इसको कैसे सुधारा जा सके, तो इसी चीज़ से संबंधित ये समिट हो रही है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है? पैसा बाजार अलॉन्ग विथ RBL बैंक लॉन्चेस विच क्रेडिट कार्ड? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड। पैसा बाजार और RBL बैंक ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसे पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड का नाम दिया गया है, ठीक है। ओके, अब ये है क्या, अब ये क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि फीचर्स दिया जाता है, आप लोग आपके पास एक्स्ट्रा बैलेंस, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं, फिर उसको बाद में आप लोग पे कर देते हैं और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड तो आप सभी को पता है ये क्या है। और इसके अलावा क्या इसमें फीचर्स दिया गया है? इसके अलावा ये फीचर्स दिया गया कि आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं RBL बैंक से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। ये लाइफ टाइम फ्री है। और RBL से रिलेटेड आपको बता दूँ, RBL का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? RBL का हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। ये फाउंड कब किया गया था? 1943 में फाउंड किया गया था। और इसके जो एंटरिम MD और CEO हैं वो राजीव आहूजा जी हैं। और हाँ, RBL का फुल फॉर्म क्या होता है किसी को पता है? बेसिकली आपको SBI, UBI ये सब पता होगा, लेकिन RBL का फुल फॉर्म हो जाएगा रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है मोटा एलोकेट्स हाउ मच मनी फॉर तेलंगानाज मेदारम फेस्टिवल 2022? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2.26 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये एक
मेदाराम फेस्टिवल मनाया जा रहा है तेलंगाना में। ये मेदाराम एक बेसिकली गांव है, तो उसी गांव के नाम से ये फेस्टिवल रख दिया गया है। फेस्टिवल का नाम ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 4 दिन लॉन्ग फेस्टिवल, मतलब 4 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। इसको 16 से 19 तारीख तक का सेलिब्रेट किया जाएगा फेब्रवरी में। और ये करते कब किस समय है, मतलब एक समय होता है ना, जैसे बरसात के मौसम में या फिर गर्मी के सीजन में या विंटर के सीजन में, तो उसी तरह ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये फुल मून डे पे मनाया जाता है, जो फरवरी में 16 से 19 तारीख को मनाया जा रहा है आपकी। और ये जो आपका ये मेदाराम है, ये गांव पड़ता है, आपको बता दिया इसके बारे में। और ये जो फेयर है, ये सेकंड लार्जेस्ट फेयर है, सेकंड लार्जेस्ट फेयर है आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद दूसरा नंबर इस फेस्टिवल का आता है जिसपे इतना फेयर लग रहा है, ठीक है। ओके, और ये फेस्टिवल मनाते कौन है, ये कोया ट्राइब्स है वहाँ पे तेलंगाना में पड़ता है, उन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। और तेलंगाना में आपको बता दो, तेलंगाना के सीएम जो हैं वो चंद्रशेखर राव जी हैं। वहाँ की गवर्नर कौन है, गवर्नर जो है सुंदर राजन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेह डीसी लेह लॉन्चेस विच स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, तो इसका आंसर हो जाएगा कुंस नियोम स्कीम। ये कुंस नियोम स्कीम है क्या, पहले तो ये बता दूं आपको, लेह डीसी है क्या। लेह डीसी एक काउंसिल है जिसका फुल फॉर्म होता है लद्दाख एंटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके, तो ये स्कीम के थ्रू जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको वो प्रोवाइड किया जा रहा है एक एसिटिव डिवाइसेस टेक्नोलॉजीज, जो कि 90% सब्सिडी पे दिया जाएगा। जैसे आप लोग सभी को पता ही है एसिटिव डिवाइसेस होती क्या है, ये एसिटिव डिवाइसेस वो चीज़ होती है जैसे व्हील चेयर हो गया, 3 पहिए वाला स्कूटी हो गया, ट्राई स्कूटर जिसको कहते हैं, और बैटरी रन व्हील चेयर भी हो गया, या वॉकिंग एड्स हो गया। ये डिसेबल पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें डिवाइसेस होती हैं, तो ये ले में यही दिया जा रहा है उन डिसेबल पर्सन को। ओके, तो इसी स्कीम के थ्रू उनको दिया जा रहा है ये चीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। व्हाट इज द इंडियाज रैंक ग्लोबली इन लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग 2021, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इंडिया का जो रैंक आया है ग्रीन बिल्डिंग में वो थर्ड रैंक आया है। अब लीड होता क्या है, लीड का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। ओके, फैसिलिटेड है। ग्रीन का मतलब यहाँ ये नहीं कि ग्रीन कलर है, ग्रीन मतलब जो हेल्दीएस्ट होता है और कॉस्ट सेविंग होता है और हाईली एफिशिएंट होती है वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इंडिया का रैंक थर्ड आया है। और ये निकालता मेन कौन है, ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल निकालती है जो यूएस में है। और यहाँ पे ये बता दूं कि इंडिया में 146 लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग और स्पेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विथ रिन्यूएबल एनर्जी बाई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2024। ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, ये यूनियन पावर मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है। अब ये है क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि फार्मिंग के समय, एग्रीकल्चर के समय जो डीजल का यूज़ होता था, जैसे खेती में सिंचाई करना, सिंचाई करने के लिए पंप पंप चलाना और पंप में डीजल का यूज़ करना, तो उस चीज़ को अब मतलब ये ज़ीरो कर दिया जाएगा, इसको ज़ीरो यूज़ हो जाएगा डीजल का 2022 तक का। और ये जो फॉसिल फ्यूल है ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिप्लेस हो जाएगा। आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे कितना काम चल रहा है हमारे देश में। ओके, तो यही कह रहा है कि इसमें ज़ीरो डीजल यूज़ होगा एग्रीकल्चर में और रिप्लेस कर दिया जाएगा फॉसिल फ्यूल को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और आप सभी को पता है कि यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है, ये हैं आर के सिंह जी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रन द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गीता मित्तल। गीता मित्तल जी को अभी चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है TTF का, और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है TTF के, TTF के प्रेसिडेंट जो हैं ये दुष्यंत चौटाला जी हैं। अब फाउंड कब किया गया था, 1926 में फाउंड किया गया था TTF को। और इसके बाद में ये बता दूं जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, लंदन यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात कर रहा हूँ जिसका हेडक्वार्टर लंदन में पड़ता है।
और ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, जिनकी अभी चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, किसको, गीता मित्तल जी को बनाया गया है। तो आज तक का यही था हमारा करंट अफेयर, और बाकी कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। और जाते जाते आप लोग को क्वेश्चन भी देते जाऊँ, जैसे कि डेली देते जाता हूँ, आप लोग इसको कमेंट किया करिए कमेंट बॉक्स पे। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स उलर लेक इज लोकेटेड। उलर लेक कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो ऐसे और भी बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।